एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। आई लव यू मोदी जी। जो हमारे 8-9 सैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक वर। कि जी ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। मोदी ने बताया कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है, मोदी जी आई लव यू। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकत उभर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हलवा खाएं और सो जाएं। कतर के लिए पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज्यादा वो उससे ले रहे हैं, तो लाजमी बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। हाँ। हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते हो? हरगिज नहीं। अच्छा बात नहीं। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है उनको लगाओ फांसी पे। हम नहीं लाते, हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। अल्लाह तौबा। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में ड्रग स्मगलिंग करते हैं। है ना अजीब सा असूल। हमारे मुल्क में देखे क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है? अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे। जमहूरियत का जो है वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं, इसलिए इस वजह से ना हम कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हमारे देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर जा चुकी है कि वो मोदी विरोध करते करते देश विरोध तक पे उतर आया है। मैं जानता हूँ, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन कतर के अंदर पूर्व नौसैनिकों को जब फांसी की सजा हुई थी, तब हमारे देश के देशद्रोही कीड़े चुलबुला रहे थे, हिंदुस्तान की पॉलिसी और मोदी सरकार को कोसे जा रहे थे। तो आज मोदी जी ने और भारत सरकार ने ये साबित कर दिया है, 8 में से 7 वापस आ चुके हैं, 1 है वो भी वापस आ जाएंगे। और जो भी उस वक्त भारत सरकार को कोस रहा था और मोदी जी को कोस रहा था, आज उनके मुंह में दही जम गया है और दही इन पाकिस्तानियों के मुंह में भी जम गया है। और मोदी जी के इस कार्य को देखने के बाद में पाकिस्तानी बावले हो गए, झूम रहे हैं, कतर से अपने लोगों को बचा के ले गए। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस वगैरह की तरफ से, जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजमी बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं, तो लाजमी बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस भी हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की, बल्कि अफ्रीका में जाके मोजाम्बिक एक जगह है वहाँ पर 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे, जाओ कतर हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वाए। तो ये लाजमी बात है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए, तो कतर लाजमी बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे, तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राजी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चौड़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं, जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3,000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया, अगर आज भी इंटरनेट देखें लाखों पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सदीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके, तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते, कैसी पॉलिसीज हैं उनकी? हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। अच्छा। हम IMF की तरह की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली चीज़ें। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिजनेस नहीं कर सकते, उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़वाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते हमने बंदों को। और हम क्यों नहीं कर सकते, इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह है? हम आज़ादाना पॉलिसीज नहीं है हमारी, बेसिकली ये है कि हम ट्रेड नहीं करते, भीख मांगते, कोई तो वजह तो है ना। तो भीख मांग के IMF ने हमें घेरे में ले लिया, हमारी पॉलिसीज जो है उसकी कंट्रोल में, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम IMF के घेरे में आ
आ गए हैं? बिल्कुल, हमने अमीर ने बिल्कुल हमें कंट्रोल किया हुआ है इसमें। अच्छा, आप ट्रेंड क्या चल रहा है जी? इस्लामिक कंट्रीज डर गई। इस्लामिक कंट्रीज जो है वो सारे जो अगर देखा जाए तो वो फंसी हुई है इन चीजों में कि वो उसके आजादाना पॉलिसीज नहीं है। जिस तरह इंडिया जो है, इंडिया की आजादाना पॉलिसीज है, जिससे रशिया के साथ उसने डील किए, हमने नहीं किए ट्रेनिंग है, तो यही वजह थी कि हमारे ईरान के साथ भी डीले कर रहे हैं इंडिया। हाँ, वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। सर, हम देखते हैं जब इंडिया ने कुछ करना होता है वो कर लेता, वो किसी से नहीं डरता, ना वो अमेरिका से डरेगा, ना वो कनाडा से, ना यूरोप से डरेगा। और अपने मुल्क के अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई सारा कुछ जो है ऑर्डर तो बाहर से आते हैं, मुल्क के अंदर से तो हम इंडिया के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसकी भाग दौड़ में है, वर्ल्ड पावर की भाग दौड़ में। तो मतलब आप देखें, और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। हाँ। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब। हाँ, तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। सर, कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लेके आना, आपको क्या लगता है उनकी कितनी बड़ी जीत है? तो जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है, पावर है, पावर है। मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं तुम। और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जज्बे से कुछ नहीं होता, अपना बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि हर बंदा एक दफा सोचे कि अगर मेरा इनके साथ बिजनेस खराब हो गया ना तो मेरी इकोनॉमी बंद हो जानी। आपको क्या लगता है कि कतर वाकई इंडिया से डर गया है? हाँ भाई, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया में इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है, वो ताकतवर है। आप देखे हमारे मुल्क में, देखे क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह ये है कि हम इस वक्त कमजोर है, और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत है। उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें, अब उनका तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है, शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता, बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना, मुसलमान मालिक इस वक्त जितने भी है ना, सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह ये है कि हमने हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है, हमने उसको छोड़ दिया। मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम किसी को बोले कि हमारे बंदे छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ करोड़ों की डील्स नहीं करते। आप पार में उस वक्त होते हैं जब आप अपना कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म रखते हैं। अच्छा, आपके पास नून लीग है, आपके पास पीटीआई है, आपके पास पीपल्स पार्टी है, किसके लिए काम करते हैं? कि नेशन के लिए। जब नेशन ही एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, आधों ने वो पकड़ा हुआ है, कौम को सोचना चाहिए, इनमें गैरत जागनी चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम आके कोई एक बंदा ढूंढे, एक बंदा ढूंढ के हम उसको अपना रहबर बनाएं, मुल्क उसके हवाले करो। दुनिया अब बड़ा मसला पाकिस्तान का, बताऊं मैं क्या है, बात किससे करें? एक बंदा जेल में है, एक बंदे को आप हथकड़ी लगा के कहें कि लड़ो, कैन ही फाइट? नो। लेकिन फिर भी तारीख में इतने ज्यादा लोगों का इंडिपेंडेंट होके क्लियर होना, इतनी बड़ी धांधली के बाद भी क्लियर होना, ये एक बहुत बड़ा नुकता है नेशन के लिए। आज के टॉपिक पे आती हूँ, कतर के अंदर इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इंडिया ने कतर को धमकी दी कि आप हमारे साथ जो भी डील्स करते हैं नेक्स्ट हम नहीं करेंगे आपसे गैस पर। आज उन्होंने वापस भेज दिया। सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया, और पुतिन ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते उनको? हम गैस भी लेते, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना? हम नहीं लाते, हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत सरकार को और मोदी जी को कमजोर समझने की गलती ना तो हमारा विपक्ष करे है, ना ही संसार में कोई देश करे, खास तौर से पाकिस्तान। भारत सरकार के इस कारनामे से करोड़ों हिंदुस्तानी खास तौर से देशभक्त प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि वो लोग इनोसेंट थे और इनको फंसाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी मुल्क का था तो वो मुल्क था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ही सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी और कतर को उकसाया था। खैर, अंत भला तो सब भला, जीत सच की होती है और सच जीत गया है। आप लोग क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुना के जरूर जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपको आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।